गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपका भाई भी एकदम मस्त है। सो यार, आपके भाई ने सुबह से दो स्लाइस ब्रेड के खाए तो अभी लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख। सोच अभी चलते हैं किचन में और बनाते कुछ खाने के लिए। सो ब्लॉग में बने रहे। चलो अभी खाना बनाते हैं और अभी मैं देखता हूँ क्या पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज आपका भाई बनाने जा रहा है हिमाचल की फेमस डिश खीर एंड थपलो। सो उसके लिए मैंने चावल निकाल लिए हैं, तो चलो अब इनको करते हैं वॉश। आपके भाई ने चावल वगैरह वॉश कर लिए हैं, तो अब इनको रखते हैं गैस के ऊपर पकाने के लिए। जब तक मेरे चावल रेडी होते हैं तब तक मैं कर लेता हूँ अपना आटा रेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डालेंगे हम 2 मिनी स्पून सॉल्ट और डालेंगे। पानी वगैरह तो डाल दिया हमने इसमें, तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने बनाना है डोसे की आटे की तरह। डोसा नाम तो आपने सुना है, वो शायद थोपलू आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होना। तो दोस्तों, अब आपके भाई ने आटा वगैरह बना के रेडी कर दिया, ये आप लोग देख ही सकते हैं, और साथ में हमारे चावल भी रेडी हुए हैं। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं दूध। तो अब आपके भाई ने दूध वगैरह तो डाल दिया, तो अब इसके अंदर डालते हैं हम चीनी 1 स्पून डाल दिया। बाकी चेक कर लेते हैं फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल देंगे। तो अब आपके भाई ने कीर उठा के दूसरे वाले चूल्हे पे रख दिए हैं, तो इस वाले चूल्हे बनाते हैं हम थपलू। तो थपलू बनाना हम करते हैं शुरू। जैसे डोसा बनाने के लिए उसका तवा बिल्कुल साफ होना चाहिए ना, वैसे इसका भी सेम। तो वैसे इसका तवा मैंने अच्छे से वॉश कर दिया हुआ है, तो अब हम शुरू करते हैं थपलू बनाना। सो सबसे पहले हमें एक बाउल में चाहिए तेल। जैसे डोसे को घुमाते ऐसे राउंड राउंड करके 10 मिनट घुमाना आराम आराम से। वो भी एक साइड से पक गया और इसको करते हैं दूसरी साइड से टर्न। ओह वाओ, और ये आप लोग देख सकते हैं आपके भाई ने पहला थपलू बना दिया है। लग रहा है डोसे की तरह कि नहीं लग रहा है, देख के बताना जरा मेरे को। इसको अच्छे से पकने देना दोनों साइड से। तो ये पहला थपलू हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना काफ़ी बढ़िया बनाया पहला ही। सो अब हम कंटिन्यू प्रोसेस जारी रखते हैं, तो अब बनाते हैं हम एक और। शुरुआत करना मुश्किल होती है, बाकी एंड तो आप लोग देख ही सकते हैं। सो फाइनली आपके भाई ने सारे थपलू जो है बना के रेडी कर दिए हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे थपलू बना लिए आपके भाई ने। 10 दिन तक मेरे से खत्म नहीं होंगे, इतने सारे बन गए हैं। और ये खीर भी रेडी है अपनी। तो आपके भाई का खाना वगैरह सारा रेडी हो गया है, तो इसको करते हैं टेस्ट। सो
लेट्स गो। तो दोस्तों अब खाना वगैरह रेडी हो गया है, सो अब इसको करते हैं टेस्ट। ये खीर और ये है खोपड़ी, ये आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बना आपके भाई ने। इसको टेस्ट टेस्ट तो क्या ही बोले दोस्तों, जबरदस्त। दोस्तों खाना तो बहुत टेस्टी बना, तो हम लेके हम खाने का आनंद, और आप लोग भी खाइए साथ में। फाइन अब खाना वगैरह खा लिया है, सो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय बाय।